नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंकिता। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष ये व्रत 2 अक्टूबर यानी कि आज रखा जाएगा। माना जाता है कि इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। आज कई अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है, उसके पुण्य प्रताप से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा के नामों का जप करने से जीवन में व्याप्त सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से जीवन में आए तमाम दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन जातक को भगवान गणेश के 108 नाम का जाप करने से जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। ज्योतिष के अनुसार विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा के कई नाम हैं, पर अगर संकष्टी चतुर्थी के दौरान गणपति बप्पा के 108 नाम की उपासना की जाए तो जीवन में आई तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं धन से जुड़ी परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए आज के दिन बप्पा की मूर्ति को घर ले आए, उसके बाद विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और बाद में हल्दी की 5 गांठ गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए गणेश यंत्र को बहुत लाभकारी माना जाता है। इसे घर में स्थापित करने से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती हैं। वहीं संकष्टी चतुर्थी यानी आज के दिन अगर इसे घर पर लाया जाए तो जल्द ही इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि मास की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर सुबह 5:06 से शुरू हो गया है और इसका समापन 3 अक्टूबर सुबह 3:41 पर होगा।